दोस्तों, आज कुलदीप वर्मा, मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि पिगमेंट्स के ऊपर है। मैं समझता हूँ इस वीडियो में मैंने हर चीज कवर की हुई है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो आपको मिले। थोड़ा सा शायद आज वीडियो में एक म्यूजिक आ रहा है, क्योंकि जहां पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सामने ही डीजे बज रहा है। डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम टेकिंग अ न्यू वीडियो ऑन पिगमेंट्स यूज्ड फॉर पेंट एंड पाउडर कोटिंग। दिस वीडियो कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, बट इफ समथिंग इज लेफ्ट प्लीज सेंड मी मैसेज सो दैट आई कैन इंक्लूड इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अ न्यू वीडियो वेन एवर आई विल अपलोड। सो आई विल स्टार्ट माई वीडियो। Today, my video will cover all the aspects of pigment for powder coating, and this same thing can be used for the paint also, but you have to consider the temperature aspect, because powder coating mein hamare jitne bhi pigments ya dyes use honge, उसके लिए हमें कंसिडर ये करना है कि 180 डिग्री एंड 200 डिग्री पर एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए वो अगर रखे जाते हैं तो डिस्ट्रॉय नहीं हो, उनका कलर फेड चेंज नहीं हो या डिकम्पोज नहीं हो। एंड फॉर लिक्विड पेंट यू कैन यूज, बिकॉज देर आर सो मेनी पेंट्स विच आर एयर ड्राइंग, सो यू कैन यूज पिगमेंट्स। ओनली फॉर पाउडर कोटिंग यू हैव टू कंसिडर। Please see what are pigments. What are pigments? So pigments are insoluble particle material that provide color, opacity, gloss control, rheological control, and certain functions such as corrosion inhibition or magnetic moment. They also reduce the cost of coating by acting as a volume filler. So because paints mein resin is main ingredient, so these pigments are used to reduce reduce the resin content. So this will reduce the cost. Apart from it provide color, hiding power, that is opacity. It depending on the gloss, this particle size of the pigment, it controls the gloss also. Rheological control depends on the oil absorption of the pigment and certain function such as corrosion. So these are specialty pigments. Now, types of pigments. Pigments majorly are of two type: inorganic pigments and organic pigments. I will discuss in detail different topic, inorganic and organic. So now I will discuss the types of pigment. The types of pigment based on method of their formulation
पिगमेंट कैन बी कैटराइज्ड इनटू टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक पिगमेंट एंड ऑर्गेनिक पिगमेंट. इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स, दिस टाइप ऑफ पिगमेंट अकर्स नेचुरली एंड दे हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज. दे आर क्वाइट सिंपल इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. दे आर नेम्ड इनऑर्गेनिक एज दे कंटेन मिनरल्स एंड मेटल्स दैट गिव देयर कलर. द ऑर्गेनिक पिगमेंट आर सॉरी तो इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंपल प्रोसेस दैट इज मेड ऑफ वॉशिंग, ड्राइंग, पाउडरिंग एंड कंबाइनिंग इनटू फॉर्मुलेशन. कंपेयर टू ऑर्गेनिक पिगमेंट, दिस यूसेज ऑफ दिस पिगमेंट इज लेस फ्रिक्वेंट. दिस पिगमेंट आर यूज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड कलर स्ट्रेंथ इज नॉट टू मच. सो इनऑर्गेनिक पिगमेंट का मतलब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये सीधे सीधे नेचुरल प्रोसेस से जनरली बनाए जाते हैं, और जो मिनरल्स हैं उनको वॉशिंग, ड्राइंग, देन उसको ड्राइंग होने के बाद में लम्स फॉर्म बना के उसको ग्राइंडिंग की जाती है डिफरेंट पार्टिकल साइज पर, और इनके कॉम्बिनेशन से फॉर्मुलेशन भी बनाया जाता है. अभी जैसे जैसे आगे आएंगे तो मतलब सिंपल एक मिनरल नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स होते हैं. इसमें कुछ पिगमेंट्स जो इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें आपको कोबाल्ट, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल्स भी मिल जाएंगे जो कि शायद कुछ इंडस्ट्री में बैन होते हैं. तो जहां पर ये हैवी मेटल्स, लेड, कोबाल्ट, आर्सेनिक ये सब बैन होते हैं, वहां पर हमको ऑर्गेनिक पिगमेंट यूज करना पड़ेगा. ऑर्गेनिक पिगमेंट भी हम बताएंगे आपको, और इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स की आप ये समझिए इसकी जो यूसेज डोज है वो हाई होती है, इनकी टिंटिंग स्ट्रेंथ कम होती है, बट लाइट फास्टनेस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पिगमेंट की अच्छी होती है बिकॉज ये नेचुरल फॉर्म में होते हैं, कोई सिंथेटिक या केमिकल नहीं होते हैं, तो इनकी लाइट फास्टनेस अच्छी होती है. बट क्योंकि लेड और हैवी मेटल्स है सो इनका यूसेस कम हो जाता है. ऑर्गेनिक पिगमेंट, एज फ्रॉम द नेम यू कैन गेस, दिस टाइप ऑफ पिगमेंट इज एग्जैक्टली द अपोजिट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक पिगमेंट. दिस पिगमेंट आर ऑल्सो नोन एज सेंथेटिक पिगमेंट बिकॉज दिस पिगमेंट आर प्रोड्यूस बाई सेंथेसिस इन अ केटल और इन अ लैब. नो इनऑर्गेनिक मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस दीज पिगमेंट्स. दे आर फॉर्मुलाइज इन लैब एंड ऑफन ग्रेट स्कोप ऑफ कंट्रोल टू इनऑर्गेनिक पिगमेंट मैन्युफैक्चरर. ऑर्गेनिक पिगमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई रिलेटिवली सिंपल केमिकल प्रोसेस सच एज ऑक्सीडेशन. एंड ऑर्गेनिक पिगमेंट सप्लायर सप्लाई दिस टाइप ऑफ पिगमेंट मेनली टू पेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड इंक इंडस्ट्री. इन यूसेज दे वेयर ब्राइट कलर आर रिक्वायर्ड. ऑर्गेनिक पिगमेंट जो हैं बहुत ही ब्राइट होते हैं बिकॉज इनमें प्योरिटी बहुत हाई होती है, 99%, 99.9% प्योरिटी होती है. ऑर्गेनिक पिगमेंट आर यूज्ड एज दे ब्लॉस्टर हाई कलर स्ट्रेंथ. इनका डोज बहुत ही कम लगता है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक पिगमेंट. यानी आप ये समझिए कि जैसे इनऑर्गेनिक पिगमेंट में जो डोसेज हैं, सपोज लेमन क्रोम, मिडिल क्रोम, स्कारलेट क्रोम, अगर हम सिंगल कलर में डोज डाल रहे हैं तो इनकी डोज मिनिमम 20% होगी. अगर इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे देन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वो भी इनऑर्गेनिक होता है, सो टाइटेनियम के साथ में इसकी डोज कम हो जाती है. बट अगर हम जैसे बात करें गोल्डन येलो कलर की,
गोल्डन येलो जिसमें कि मिडिल क्रोम मैक्सिमम होता है, वहां पर हम बिकॉज कलर की वजह से टाइटेनियम बहुत ही कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सो वहां पर मिडिल क्रोम की डोज जो है वो मिनिमम 20% से 25% तक पाउडर कोटिंग में यूज होगी। और अगर हम लिक्विड पेंट की बात करें तो जो सॉलिड कंटेंट है उसका 20 to 25% रहेगा, वो आपको सॉलिड कंटेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इन और इंक्लूड द ओपेक पिगमेंट विच आर कॉमनली यूज टू लाइटनिंग द अदर कलर हैज प्रोवाइड ओपेसिटी। ये जो इनऑर्गेनिक पिगमेंट है जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम हो गया आपका, जिंक सल्फेट हो गया या लिथोमार हो गया, तो इस तरह के बहुत सी कंपनियों के अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं। लिथोपोन बेसिकली बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का कॉम्बिनेशन है। सो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पिगमेंट के अलावा एक मेटेलिक पिगमेंट भी यूज होते हैं। मेटेलिक पिगमेंट एज द अदर टाइप्स ऑफ पिगमेंट इज मेटेलिक पिगमेंट। मेटेलिक पिगमेंट एज इम्प्लाइड द नेम इंक्लूड मेटल पिगमेंट सच एज जिंक एंड एल्युमिनियम पिगमेंट्स। इसमें कॉम्बिनेशन से गोल्ड, कॉपर एंड डिफरेंट टोन ऑफ गोल्ड ये सब बनाए जाते हैं। तो मेटेलिक पिगमेंट्स के बाद में अब हमारी बात आती है, एक और टाइप होती है कलरिंग करने के लिए डाइज। तो अभी हम आपको बताएंगे डाइज एंड पिगमेंट में क्या डिफरेंस है। डाइज एंड पिगमेंट आर द मेन फॉर्म ऑफ कलरेंट। द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट डाइज डाइज एंड पिगमेंट आर मेन फॉर्म ऑफ कलरेंट। द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट डाइज आर सॉल्वेबल, डाइज आर सॉल्वेबल इन वाटर एंड सम डाइज आर सॉल्वेबल इन सॉल्वेंट ऑल्सो एंड पिगमेंट आर इनसॉल्वेबल। ऑलवेज पिगमेंट गेट्स डिस्पर्स्ड, दे डिडंट गेट सॉल्वेबिलिटी एंड आर सस्पेंडेड इन द मीडियम और बाइंडर। सो सस्पेंडेड मीन्स दे आर डिस्पर्स्ड। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज ऑफ डाइज एंड पिगमेंट्स विच अफेक्ट द वे दे बिहेव। एक चीज और है जो कि यहाँ पर हम क्लियर करना चाहते हैं आपको, डाइज से आपको ट्रांसपेरेंट फिल्म मिलेगी, फिल्म मीन्स कलर्ड फिल्म, एंड पिगमेंट से ओपेक फिल्म मिलेगी। किसी किसी पिगमेंट में थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी आती है बट दैट इज नॉट मेजर, यानी 98% ओपेसिटी आपको पिगमेंट से मिलेगी एंड डाइज से 99% क्लियर फिल्म मिलेगी। नाउ ऑर्गेनिक पिगमेंट में भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि हम आपको देखकर डिस्कस करते हैं। वन इज एजोडाइज। एजोडाइज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेयरिंग द फंक्शनल ग्रुप आर एन डबल बॉन्ड एन एंड आर डैश, इन विच आर एंड आर डैश आर यूजली एराइल एंड सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप। दे आर ए कॉमर्शली इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ एजो कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग सी एन डबल बॉन्ड एन सी लिंकेज। द एडोडाइज आर सिंथेटिक डाइज एंड दे डोंट अकर नेचुरली। दिस एजो पिगमेंट, इनको और हम सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक पिगमेंट इंक्लूडिंग एजो पिगमेंट्स
विच कंटेन ए नाइट्रोजन ग्रुप, दे अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रेड ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स. कॉपर थैलोसाइनिन प्रोवाइड ब्रिलियंट स्ट्रॉन्ग ब्लू एंड ग्रीन दैट आर अनयूजली कलर फास्ट फॉर ऑर्गेनिक कलर्स. तो जितने भी ये एजो ग्रुप्स हैं इसमें मेनली कौन कौन से आ गए, रेड ऑरेंज एंड येलो एंड कॉपर थैलोसाइनिन. इसमें ब्लू एंड ग्रीन दो तरह के कॉपर थैलोसाइनिन होते हैं एंड कॉपर थैलोसाइनिन इज ऑल्सो इंटू टू ग्रेड. वन इज अल्फा कॉपर थैलोसाइनिन एंड अनदर इज बीटा कॉपर थैलोसाइनिन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अल्फा थैलोसाइनिन ब्लू है उसका अंडरटोन रेड रहेगा एंड बीटा का अंडरटोन ग्रीन रहेगा. ये क्यों, क्योंकि जो कॉपर थैलोसाइनिन ब्लू है उसमें जो कॉपर की कनेक्टिविटी है उसके हिसाब से ये अल्फा एंड बीटा बनता है. इसका देखिए अगर हम कुछ डायग्राम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए हम इसको थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखा रहे हैं. दिस इज अ कॉपर थैलोसाइनिन ब्लू. यहां पर ये कॉपर अटैच है. जब ये इस पोजीशन पे होता है तो इसको बोलते हैं अल्फा कॉपर थैलोसाइनिन ब्लू, और जब ये कॉपर की बॉन्डिंग इन ग्रुप्स के साथ रहती है ये हो जाता है बीटा. और जब कॉपर की जगह पर कोई हेलोजन ग्रुप नॉर्मली क्लोरीन आता है तो वो हो जाता है थैलोसाइनिन ग्रीन. उसको हम कॉपर थैलोसाइनिन नहीं बोलेंगे, थैलोसाइनिन ग्रीन हो जाता है वो, बिकॉज उसमें से कॉपर हट जाता है. देखो उसका भी एक हम स्ट्रक्चर. तो देखिए ये अल्फा थैलोसाइनिन ब्लू, दिस इज बीटा थैलोसाइनिन ब्लू एंड दिस इज थैलोसाइनिन ग्रीन. इनका जो सीआई नंबर है दिस इज 15:1, 15:1. और जैसे जैसे ये 15:2, 15:3, 15:4, तो ये ग्रीन स्टोन पे चलता जाएगा एंड थोड़ा डार्क होता जाएगा, डर्टी यू कैन से. ये पिगमेंट ग्रीन, इसको ग्रीन 7 बोलते हैं जनरली. सीआई नंबर इसका ग्रीन का 7 है. तो इस तरह से बहुत सारे पिगमेंट हैं. अब ये रेड की बात करें, सी व्हाट इज रेड पिगमेंट मेड ऑफ. नेचुरल रेड ऑक्साइड रेड ऑकर पिगमेंट हैव बीन यूज्ड सिंस प्री हिस्ट्री. दे आर डेरिव्ड फ्रॉम अर्थ दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ हेमेटाइट, अ ब्लड रेड मिनरल. रेड 102 इज यूजली मोर ओपेक देन सिंथेटिक रेड ऑक्साइड. ये देखें व्हाट टू पिगमेंट्स मेक रेड, हाउ टू मेक रेड एंड व्हाट टू कलर्स मेक रेड. इफ यू मिक्स मैजेंटा एंड येलो यू विल गेट रेड. दैट इज बिकॉज व्हेन यू मिक्स मैजेंटा एंड येलो द कलर कैंसिल्स आउट ऑल अदर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एक्सेप्ट रेड. What are the properties of red pigment? Pigment red is an inorganic pigment composed of lead molybdate, lead chromate, and lead sulfate, which has bright color shade, high hiding power and tinting strength,
एक्सीलेंट वाटर बैक सॉल्वेंट रेजिस्टेंस एंड गुड एसिड अल्कली रेजिस्टेंस। सो दिस इनऑर्गेनिक पिगमेंट मॉलिब्डेट आ गया, मींस दिस इज कॉमनली नोन एज स्कारलेट क्रोम, जो कि और काफी रेड ऑरेंज कलर का होता है। और इसी तरह हम आगे भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए हम आपको ऑर्गेनिक पिगमेंट, ऑर्गेनिक येलो के बारे में दिखा रहे हैं ये। अब ये चलिए सामने भी आ गया, मास टोन एंड टिन टोन। व्हाट इज मास टोन एंड व्हाट इज टिन टोन? मास टोन इज द एक्चुअल कलर ऑफ 100% ऑफ द पिगमेंट, तो एंड टिन इज 1:10, यानी 1 इज व्हाइट पिगमेंट एंड 1:10, ओके, 1 इज दिस कलर एंड 10 इज व्हाइट पिगमेंट यूज्ड हियर, 1:10, यानी 10% डिडक्शन हो गया इसका। सो मास टोन एंड टिन टोन को हम लोग कैसे करते हैं? एक ग्लास कुछ मास टोन के लिए हम क्या करेंगे, जो पिगमेंट्स है उसको थोड़ी कुछ क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी, सपोज 1 ग्राम या 2 ग्राम एक ग्लास प्लेट पे ले लेंगे और उसमें धीरे धीरे ऑयल डालेंगे हम। ऑयल स्पेचुला की सहायता से उसका धीरे धीरे पेस्ट बनाएंगे और उसको डिस्पर्स करते जाएंगे, पिगमेंट डिस्पर्स होते जाएगा ऑयल में। बहुत थिन नहीं करना है उसको, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनेगा। और जब ये पेस्ट हमें लगता है कि पिगमेंट पूरी तरह से डिस्पर्स हो गया है, तो स्पेचुला की सहायता से एक दूसरे ग्लास स्लाइड पर इसको लगा लेंगे। और सेम चीज हम अपने स्टैंडर्ड से भी बनाएंगे और उसको, जैसे ये इन्होंने मास टोन और टिन टोन को बगल बगल लगाया है, तो हम जब मास टोन को चेक कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड से, तो वहां पर एक सैंपल और एक स्टैंडर्ड का मास टोन बनाएंगे और इसी तरह साइड बाय साइड लगा लेंगे। तो जो बीच की लाइन है ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऑलमोस्ट सेम कलर है तो बीच का डिफरेंस नहीं होगा, और अगर दोनों में टोन में फर्क है, या तो स्टैंडर्ड हाई टिंटिंग स्ट्रेंथ का है या स्टैंडर्ड लो टिंटिंग स्ट्रेंथ का है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। सो इसी तरह ये देखिए हम आपको कुछ शेड कार्ड दिखा रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक पिगमेंट का है। ये क्लेरेंट से लिया गया है, ऑस्टापम ऑक्साइड, देन इसका CI नंबर, देन ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, कैसे रहेगा, कहाँ पर यूज हो सकता है, कहाँ पर नहीं यूज हो सकता। ऑस्टापम ग्रीन, ये मास्ट होना है इसलिए ये ग्रीन काफी डार्क दिख रहा है, लेकिन जब इसको टिंटिंग करेंगे यानी व्हाइट से, तो ये काफी ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए इस टाइम से बहुत सारे पिगमेंट्स आएंगे सब, ये ब्लू। वायलेट, ये देखिए ये पेस्ट आ गया, पेस्ट फाइबर ग्लास में भी यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूसेज हैं इनके। तो मुझे लगता है आज मैंने जो पिगमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी दी है आपको, सारी तो कवर नहीं कर पाए, हम खुद समझते हैं, तो हम आगे भी किसी वीडियो में कवर करते रहेंगे, लेकिन जो हमने जानकारी यहाँ कवर की है आप लोगों को, शायद वो काफ़ी यूजफुल रही होगी आप लोगों के लिए, और इसके लिए धन्यवाद। और ये वीडियो हमारा YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा, सो जिससे आपको जब भी आप देखना चाहेंगे इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप कुछ भी अगर कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए, और किस टॉपिक पर आगे वीडियो देखना चाहते हैं वो टॉपिक हमें लिख के भेजिए, तो जिससे हम आपको वो टॉपिक का